Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School, and welcome to 10th General Science class. उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे. 10th General Science बच्चों चैप्टर नंबर है हमारे पास 9, और इसका जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो है इंटरनेट एंड ईमेल. तो सबसे पहले देखते हैं आपके पास ये चैप्टर नंबर है 9, पेज नंबर है 145, और जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटरनेट. इसको बेटा बुक से एक्सप्लेन या रीड करने से पहले देखें कुछ कॉमन सी बातें हैं जो आपके माइंड में भी होंगी कि देखो इंटरनेट जो है सिंपली क्या है. इंटर का मतलब होता है दरमियान, नेट पूरी दुनिया को कहा गया है. तो इंटरनेट आपके पास एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम पूरी जो दुनिया है उसके लोगों के साथ एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, एक रابطہ क्रिएट कर सकते हैं, एक रابطہ बना सकते हैं. बेसिकली बेटा शुरू में ये जो इंटरनेट था ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड था, ठीक है. बेसिकली ये बहुत सारे कंप्यूटर्स के दरमियान क्या था, एक रابطہ था, ठीक है. लेकिन जैसे जैसे इसमें एडवांसमेंट आती गई तो पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं सब ने अपनी जरूरत के मुताबिक इसके हम डाटा ले भी सकते हैं और इसमें डाटा एंटर भी कर सकते हैं. अब हर बंदा जो है वो जो कोई भी अपना डाटा इस्तेमाल करना चाहता है वो क्या करता है, वो एक वेबसाइट बनाता है और उस वेबसाइट पे अपना डाटा क्या कर देता है, अपलोड कर देता है. और पूरी दुनिया में कहीं पे भी जो दूसरे कोने में बैठा हुआ शख्स है वो भी उसको क्या कर सकता है, असेस कर सकता है, उस डाटा को देख सकता है, ठीक है. तो देखो बेटा इंटरनेट ने जो रेवोल्यूशनाइज कर दिया है हमारी लाइफ को, हमारी लाइफ में कहते हैं ना एक इनकलाब बर्पा कर दिया है. कैसे बेटा, देखो आप अपने मोबाइल फोन पे विद इन नैनो सेकंड क्या करते हो, दुनिया की किसी भी चीज को, कहीं पे भी होने वाली चीज को क्या कर सकते हो, सर्च आउट कर सकते हो, ठीक है. तो बुक के पार्ट ऑफ व्यू से देखते हैं. इंटरनेट इज द नेम ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है. फर्स्ट पहली बात आपके पास क्या आ रही है कि इंटरनेट इज द नेम ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है. अब सिर्फ और सिर्फ हमें से जो डेटा है वो ले नहीं सकते, डेटा को सर्च आउट भी कर सकते हैं. नॉट ओनली यू कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट बट ऑल्सो यू कैन गेट इंफॉर्मेशन. देखो बेटा इसका अगर हम पॉइंट ना देखते जाए, पहला पॉइंट ये आ जाएगा, दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा, वी कैन एक्सचेंज एंड गेट इंफॉर्मेशन. ठीक हो गया. अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, नेक्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव स्टोर्ड इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट. देखो कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी बड़े बड़े अदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स कैन स्टोर देयर इंफॉर्मेशन, वो अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं. कैसे जी, इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट. वेबसाइट से तो आप सब लोग वाकिफ ही होंगे, क्या किसी खास तरह की इंफॉर्मेशन के लिए किसी खास अदारे या किसी खास बंदे की तरफ से जो एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिसके थ्रू हम आगे जाके उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेबसाइट. क्या कहते हैं, वेबसाइट, ठीक है जी. चले नेक्स्ट बच्चों, जो हमारे पास टॉपिक इसमें है वेबसाइट की डेफिनेशन आएगी. वेबसाइट की डेफिनेशन आ सकती है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, उसको आपने प्रिपेयर करना है कि वेबसाइट क्या है. तो वेबसाइट की अगर हम बात करें तो
तो वेबसाइट क्या है आपके पास? वेबसाइट इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. क्या है? वेबसाइट इज अ ह्यूज, ह्यूज कहते हैं बहुत ज्यादा, ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, कि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को जहां एक जब एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? वेबसाइट. क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं. ठीक है, अब देखो बच्चों, यू कैन मेक यूज ऑफ इट व्हेन नीड. जब हमें इसकी जरूरत पड़ती है हम इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज वेबसाइट व्हेन वी नीड इट. जब हमें किसी डाटा की जरूरत हो तो हम उस टाइम पे उस वेबसाइट को जाके क्या कर सकते हैं? विजिट कर सकते हैं और उससे इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं? हासिल कर सकते हैं. ठीक है, कंपनीज कैन आल्सो प्रोवाइड डिटेल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स ऑन वेबसाइट्स एंड कैन एडवर्टाइज देम. अब इसके जो है ना वो बेनिफिट्स क्या क्या हैं? ठीक है, इसके अगर हम बेनिफिट्स की बात करें क्या क्या इससे फायदे हो रहे हैं हमें, तो बेटा देखो आजकल तो कोविड की वजह से वैसे भी जितनी भी शॉपिंग वगैरह वो ऑनलाइन ही मोस्टली होती है, तो इनको क्या करते हैं अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं जो भी इन्होंने चीज़ें बेचनी है उनको क्या करते हैं? वेबसाइट पे डालते हैं. ठीक है, उनकी प्राइस वगैरह सारी चीज़ें वेबसाइट पे डालते हैं और एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मशहूरी करते हैं उसकी, और वहाँ से लोग देख के उनकी जो प्रोडक्ट्स जिस बंदे को भी अच्छी लगती हैं, जिसको उनकी ज़रूरत होती है, वो बंदा उससे वो प्रोडक्ट्स क्या कर लेता है? खरीद लेता है. ठीक है जी, तो इसके कंपनीज कैन आल्सो प्रोवाइड डिटेल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स ऑन वेबसाइट एंड कैन एडवर्टाइज देम. कंपनीज क्या करती हैं? कंपनीज गिव देयर डेटा एंड प्रोडक्ट्स and can advertise it. ठीक है, तो जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंटरनेट पे वेबसाइट के थ्रू डालती हैं और फिर उन्हीं प्रोडक्ट्स की मशहूरी करती हैं, एडवर्टाइजमेंट करती हैं, और फिर उसी एडवर्टाइजमेंट से ही बेटा उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल भी हो सकती हैं. ठीक है जी, चले इसके अलावा जी प्रोफेशनल्स, और इसका क्या फायदा हो सकता है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ किसी भी मामले पे खुल के क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं. डॉक्टर इंजीनियर कैन एक्सचेंज लेटेस्ट इंफॉर्मेशन. प्रोफेशनल्स प्रोफेशनल्स कैन एक्सचेंज प्रोफेशनल जब क्या क्या डॉक्टर इंजीनियर, ठीक है, जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं बिजनेसमैन, वो सारे के इंफॉर्मेशन है उसको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं. कैन एक्सचेंज लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन विद वन अनदर. ठीक है, एक दूसरे के साथ वो क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया को क्या हो सकता है? फायदा हो सकता है. ठीक है जी, चलें इसी तरह से अगर हम देखें, यू कैन मेक कॉन्टेक्ट विद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP थ्रू योर कंप्यूटर एंड इट प्रोवाइड यू इंटरनेट इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट. अब देखो मजीद अगर हम कहें इंटरनेशनल या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये एक टर्म यहाँ पे यूज हुई है ISP, जिसका क्या मतलब है? इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है, अब देखो बेटा अगर हमें ओवरऑल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो हम क्या करते हैं? इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर जो है उससे हम जो है लिंक लेते हैं, ठीक है, कनेक्शन ले लेते हैं, और जो हमारा इंटरनेट है उसे क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, कंप्यूटर लिंक विद इंटरनेट
use uniform communication process called the protocol. Short question आ सकता है बच्चों. What is protocol? ठीक है. Computer की language में protocol से क्या मुराद है? तो अगर हम protocol की definition करें तो क्या होगी? Computers linked with an internet use. जितने भी computer जो हैं वो जो internet के साथ connected होते हैं. Computers linked with internet, linked with internet use uniform communication system called protocol. ठीक है कि देखो जितने भी कंप्यूटर या लैपटॉप जो है इंटरनेट के साथ कनेक्ट होंगे वो सारे एक ही तरह से क्या करते हैं एक यूनिफॉर्म कम्युनिकेशन सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं और उस यूनिफॉर्म कम्युनिकेशन सिस्टम को हम क्या कहते हैं प्रोटोकॉल कहते हैं. ठीक है जो पाकिस्तान में जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो है जी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ठीक है TCP ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ठीक है तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने काफी डिटेल में देखा है कि इंटरनेट क्या है. ठीक है किस तरह से काम करता है इससे क्या क्या हम फायदे हासिल कर सकते हैं. ठीक है और फर्दर जो है इस पूरी दुनिया में जो लोग एक दूसरे के साथ अगर कनेक्ट रहेंगे तो किस तरह से फायदे हो सकते हैं और जो प्रोटोकॉल है वो क्या है किस तरह से जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट के साथ कनेक्शन लेता है और फिर जो है एक खास प्रोटोकॉल को यूज करते हुए कोई भी जो यूजर है वो इंटरनेट को यूज कर सकता है. ठीक है बेटा आज के टॉपिक के लिए इतना ही. अपना बहुत ख्याल रखें साथ साथ पढ़ाई पर भी तवज्जो दें. अल्लाह हाफिज़.